हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एफिल टावर। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक पेपर का टुकड़ा लेना है और पेपर के पीस के ऊपर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। जैसे कि एफिल टावर का बेस होता है, आपको बेस ड्रॉ करना है, जैसे कि वीडियो हम दिखा रहे हैं। आप इनको ब्लूप्रिंट से भी बना सकते हैं और नहीं तो आप वीडियो में देखकर भी इन्हें बना सकते हैं। और अब हम इनके ऊपर डिटेलिंग करेंगे। जैसा कि एफिल टावर में बना होता है वैसा ही हम इसके बेस में बनाएंगे। अब आपको एक और बेस बनाना है और उसको कट कर लेना है जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, और इसको दूसरे वाले बेस के साथ रखकर आपको ऐसा कुछ बनाना है जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, और आप इसको कट कर लेना। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जब आप इन पार्ट्स को जॉइंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये कट करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा, और जहां हमने पेंसिल चलाई थी वहां आपने पेन से उनको हाईलाइट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे जैसे कि एफिल टावर में होती है।
अब हमारी डिटेलिंग पूरी हो चुकी है और अब हम इसे ब्लैक पेन से हाईलाइट करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। हमने जो पेंसिल से डिटेलिंग की थी उसको इरेजर की मदद से हमको थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर देना है, ताकि जब हम ब्लैक पेन इस पर चलाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली वो चल जाएगा। ब्लैक पेन से डिटेलिंग करने के बाद आपको ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। इन चारों साइड आपको ब्लैक पेन से डिटेलिंग कर देनी है। ये कुछ इस तरह का बनकर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये अब पूरा तैयार हो चुका है। अब हम इसका ऊपरी हिस्सा बनाएंगे। ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए भी आप वही स्टेप इस्तेमाल कीजिएगा जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। आपको पहले ड्रॉ करना है और फिर उसके पीसेस को कट कर लेना है, जैसे हमने पहला बेस ड्रॉ किया था, कट किया था, वैसे ही आपको ये करना है। Thank you.
कट करने के बाद इस पर आपने थोड़ा थोड़ा हल्का सा कटर चला देना है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने प्रॉपरली कट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा कट देना है जिससे कि ये आसानी से फोल्ड हो सके। अब हम इस पर भी रियल लुक देने के लिए डिटेलिंग करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था वैसे ही आपको इसमें डिटेलिंग करनी है। इस पर भी आपने ब्लैक पेन से हाइलाइट्स करने हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था बिल्कुल वैसे ही करने हैं, और ये आपको कुछ इस तरह का बनकर दिखाई दे रहा होगा। अब हम बनाएंगे इसका ऊपरी हिस्सा, तो उसके लिए आपको एक कागज़ का टुकड़ा ले लेना है और उस पर जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है और कट कर लेना है। कट करने के बाद उस पर भी आपको वैसे ही डिटेलिंग करनी है जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है।
बेहतर होगा कि आप एफिल टावर की एक बार फ़ोटो भी देख लें, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें आपने एक सेंटर से सीधी लाइन खींचनी है और जब वो नीचे आएगी तब उससे हमने दो हिस्सों में बांट देना है, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हमने जो लाइन खींची थी सेंटर में, उसको दो भाग में डिवाइड करने के लिए हम उसके नीचे वाले से देखेंगे मिलाकर, और जहाँ उसकी लाइन्स होगी वहीं ऊपर वाले हिस्से की लाइन्स होगी, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको। बिल्कुल वैसे ही आपने चारों पीसेस पर लाइन्स ड्रॉ करनी है और उन दोनों लाइन्स को ऊपर जाकर हमने एक लाइन बना देनी है। अब आप देख सकते हो कि जो सेंट्रल लाइन थी वो अब दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दी है। ये आपको चारों पीसेस पर करनी है। बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।